दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। भरोसा करती हो मुझ पर अग्नि? इसमें पूछने वाला कौन सा बात है, खुद से ज्यादा ना आप पे भरोसा करते हैं हम। सच बताओ रागिनी, क्या तुम सच में मुझ पे भरोसा करती हो? हाँ मिस्टर जी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो रागिनी। रागिनी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत सच चीज हो तुम। चलिए हम दोनों मिलकर समझौता कर ही लेते हैं, आपको जो मन में आए आप करो, और हमारा मन में जो आएगा ना हम करेंगे, ठीक है? क्या करोगे तुम? विद्वान जी की जो अम्मा है उनका बहुत उम्र हो गया है, तबीयत भी खराब ही रहता है आए दिन, बहुत बड़ी नाजुक है, कुछ भी हो सकता है उनको। दो मुस्टंडा, आई दो भी नहीं, एक मुस्टंडा भेजेंगे यहाँ मौसी के कोटे से, उसके बाद भगवान जाने। हमें कैसे भी हिम्मत करके यहाँ से निकलना होगा, कैसे निकले, सुबह से कोई आया भी नहीं है। आज बहुत शांति शांति सी लग रही है, अपनी मौसी सब लड़कियों को लेके कहाँ गई है? अरे भाई मंदिर गई है मंदिर। टुकुर टुकुर, क्या देख रही हो? आपकी आंखों में अपना फ्यूचर निहार रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जैसी उच्चट लड़की को हीरा कहाँ से मिल गया। मिश्र जी हमें चक्कर का आ रहा है। रागिनी तुम 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 ठीक तो हो ना? माँ दुलारी दीदी दिव्या, बहुत इम्पोर्टेंट बात है मिस्टर जी। इम्पोर्टेंट बात? हाँ बोलो। याद है कल हम आपसे क्या कहे थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं? वो तो मैं भी करता हूँ। हम झूठ बोले थे, अब हम किसी और से प्यार करते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी अम्मा को इस महीने का भाड़ा देना था। हम पैसा लेने नहीं आए, हम पैसा देने आए हैं। जो मैडम जी, इनका नीलामी नहीं होगा। चंदा भाई का कोठा है ही, चोर बाजार की दुकान नहीं, नीलामी तो हो के रहेगी। ये सृष्टि हमारे साथ वापस जाएगी। मिस्टर जी ये बच्चा कितना प्यारा है, वो एकदम है, वो क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में, वो कूट, बहुत कूट है। हमारा बच्चा भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, एकदम स्मार्ट और इंटेलिजेंट, बिल्कुल अपने पापा की तरह। हाँ तो कदरदानो, बोली की शुरुआत करते हैं इस नायाब चीज के लिए। शुरुआत करेंगे 2 लाख रुपए से। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अरे 12 लाख। बोलिए बोलिए और बोलिए। 20 लाख। मिस्टर जी हमारा पेट बहुत ही बड़ा हो गया है, क्या आप प्लीज हमें ऐसे हाथ दे के उठा सकते हैं क्या? मिस्टर जी उठाइए ना, देखिए ना, देखा उठने में कितनी तकलीफ हो रही है। या तो अगर तुम उठ भी गई तो फिर अगर तुम सो रही होगी तो, अब बेबी है ना पेट में, अगर थोड़ी सी पेन हुई तो ठंड लगती है। हमारी गलती की सजा आपने आपको मत दीजिए प्लीज। कहा ना नहीं जाना तुम्हारे साथ। बायजू मारो सारे को। अब सबसे पहले जरूरी रस्म की शुरुआत करते हैं। आने वाले बच्चे के माँ बाप को अगर कुछ हो जाता है तो बच्चे का रक्षक होना जरूरी है ना, और कोई ऐसा हो जो बच्चे का कवच बनकर हमेशा उसके साथ रहे और उसकी रक्षा करे। बड़की आ? जी हमने डिसाइड कर लिया, हमारे होने वाले बच्चे के गार्डियन सिस्टी और बैजू होंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स, तुम क्या करोगे इन पेपर्स का, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये हमारे कोई काम का नहीं है। आप उस माँ के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको 27-28 साल पाल पोस के बड़ा किया। बैजू को बोला कि दिव्या को पिक कर ले क्योंकि मैं पिक नहीं कर पाया। अनुराग जी थोड़े बिजी थे तो हमको कह के जाके दिव्या को ले आओ, तो हम आपको लेने आए, चलिए घर चलते हैं। तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है हम उसकी पार्टी में चले जाएंगे। ओके ड्रिंक। नहीं रॉकी। एक काम करते हैं, तू मेरी ड्रिंक ले ले और मैं इसकी ड्रिंक पी लेती हूँ। ओके जो दिव्या जी का बैग लग रहा है। दिव्या का बैग है? तू वीडियो बना रहा है ना, सही से सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। दिव्या तो घर निकल गई। घर चली गई? वो रॉकी बोल रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है तो वो घर निकल गई। ये कूलर भी नहीं काम कर रहा। कूलर क्या हाँ काम करेगा, सामने हीटर जो है। छुटकी बहू जी तुम्हारे हाथ में का लिखा था दिखाओ ना। हुआ छुटकी बहू जी के हाथ में ना ऐसे मुन्नी बाई लिखल था। मुन्नी बाई? ये किसका नाम है? देखा देखिए। मिस्टर जी आपका ये गुड्डा गुड्डियों से खेलने का दिन कब का बीत गया? मैं इसे डायपर पहनाना सीख रहा हूँ। क्या पहनाना सिखा रहे हैं? डायपर? डायपर वो लंगोट, तुम्हें बांधनी नहीं आती। हमें ये देखना है कि आप बांध सकते हैं कि नहीं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत ईजी है देखो। अ
अरे अरे क्या कर, अरे लग, अरे बहुत कष्ट, अरे अरे कांगर लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, हमको लग जाएगा, बस 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 बस। क्या करोगे, मारोगे हमें, चिल्लाओगे हम पर, जबरदस्ती हमें रोकोगे या फिर हमें शांत करोगे, पानी पिलाओगे, हमसे माफी मांगोगे? कौन हो तुम, कौन हो तुम बैजू? क्या तुम वही घटिया इंसान हो जिसने हमारी जिंदगी नरक से बदतर बना दी है, जिसकी नजर प्रॉपर्टी के पेपर्स पे है, जिसने हमें उस बदनाम कोठे पर बेच दिया था, या वो जिसने अपनी जान पर खेलकर हमें उस कोठे से बाहर निकाला, जिसने अपने हाथों से प्रॉपर्टी के पेपर्स को आग लगा दी? रागिनी, अगर तुम्हारा कुछ चटर पटर खाने का मन कर रहा है ना तो बता दो, हमारा ये नाश्ता बस तैयार होने वाला है। नहीं नहीं सिस्टर, हमें चटर पटर खाने का बिल्कुल मन नहीं है, हमारा ना जेम जेम रखे थे वो खाने का मन हो रहा है। हमारा जेम सिस्टी, हम यहाँ पे अपना जेम रखे थे, वो किधर गया? वो दुलारी दीदी, जरा जैम का बॉटल दीजिए, हम जैम ढूंढने लगेंगे तो ये जल जाएगा। दुलारिया आ गए फुआ। हमको फुआ बोला। दुलारी दीदी रुकिए, वो कुछ यहाँ अलग है, उसको हटाइए। आराम से बेटा, संभाल के, संभाल के रखिए, आराम से। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी को क्या हो गया? मिस्टर जी, बाबूजी से मिलने आप लेके चलिए अभी उनके पास। मिस्टर जी तुम एक काम करो, रागिनी तुम आराम से बैठो, मैं जाके डॉक्टर से बात करके आता हूँ। पर आप भैया, ये बाबूजी को क्या हो गया? अम्मा जी प्लीज संभालिए। अरे हमको खुद नहीं, हम लोगों को पता चला, फोन आया हमको कि एक्सीडेंट हो गया, हम सब भाग के यहाँ आए। कहाँ है वो अभी बाबूजी? अंदर है अभी, बताएंगे। आइए ना, हमें चलिए ना, हम मिलकर आते हैं उनसे। मैं देख क्या, डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबूजी को, मैं कह रहा हूँ। देखिए आप उन्हें बाहर से देख सकती हैं, अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब लग्जरी सूट में दो रूम्स हैं। उज्जत कर रहा, दे दीजिए हम लोगों को। सर उसके लिए आपको डेली का 15,000 पे करना होगा। एक्चुअली इट्स ओके, हम एक रूम में मैनेज कर लेंगे। नहीं मैडम जी, हम ठीक है, 15,000 ज्यादा महंगा नहीं है, वैसे भी दो कमरे में लेता तो बहुत महंगा पड़ता। लाओ। नहीं 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 बैजू, कोई बात नहीं, हम एक रूम में मैनेज कर लेंगे। ओके मैडम जी, आपके हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा ख्याल रखने के लिए। दर्द नहीं हो रहा है। आइए रोड क्रॉस करते। बेजू मैडम जी आइए आइए आइए, चलिए। रास्ता साफ है, आज फ्लोर पे पूरा सन्नाटा है, आज उस चोट खाए शेर को खत्म कर देना है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ आऊँ यहाँ। तू साक्षात अपने काल के सम्मुख आ गया बालक, अब मैं इस समस्त वन को ही जलाकर भस्म कर दूंगा। बचा सकता है तो बचा ले अपनी सृष्टि को। एक बालक के लिए संपूर्ण वन को जला रहे हो, यदि पकड़ना है तो मुझे पकड़ लो, यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग भी नहीं है। तन्ने मरे लुगाई के साथ किया है, अगर मैं थारी लुगाई के साथ करूं तो तने कैसा फील होएगा? कुंवर साहब के खेत के पास एक पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे ठीक 8:05 पे
तू लाख रुपया रख जा। अम्मा जी बोल रही थी कि पंडित राम फल से ना वो कुंडली देखने में कछु गड़बड़ हो गया, काम वाली को छेड़ना ना ही था बल्कि उससे अपने हाथ में राखी बंधवा कर उसको बहन बनाना था। उसका पति हमारा क्या करेगा? आप तो टेंशन मत लीजिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया।